ऊपर से आपको 200 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना है पर डे के हिसाब से पर बाइक के। आज हमारे अनप्लान राइड की ये फिफ्थ है और अभी मैं और रोहित जा रहे हैं परमिट लेने। वैसे तो मैंने कहा था कि गुरुदोंगमार हम लोग शायद कर नहीं सकते, हमारे नसीब में नहीं होगा, लेकिन फाइनली गुरुदोंगमार की परमिट आ चुकी है, मतलब गुरुदोंगमार खुली है, तो चलो परमिट के वहाँ पे मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग है परमिट ऑफिस पे, तो ये है सिक्किम की गैंगटॉक की जो परमिट ऑफिस है। अगर आप नॉर्थ सिक्किम जा रहे हो मतलब अपनी व्हीकल से प्राइवेट व्हीकल से, तो अगर आपको परमिट की सख्त ज़रूरत है, विदाउट परमिट आप गुरुदोंगमा लेक विजिट नहीं कर पाओगे या फिर आप सिल्क रूट भी नहीं जा पाओगे विदाउट परमिट। सो परमिट बनवाना ज़रूरी है। हम लोगों ने परमिट बनाया गुरुदोंगमा की 2 दिन की, मतलब आज हम लोग है गैंगटॉक पे, कल रात हम लोग आके गैंगटॉक पे स्टे कर गए थे, तो आज हम लोग जा रहे हैं लाचेन, तो कल हम लोग विजिट करेंगे गुरुदोंगमा लेक। लेकिन आज की भी जो जर्नी होने वाली है एकदम ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि गैंगटॉक से लाचेन को जो रास्ता जाता है इट हैव मेजमराइजिंग व्यू आउट देयर। तो जैसे ही परमिट आता है पूरी इन्फो मैं आपको देता हूँ। और एक इन्फो मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई सिक्किम आ रहे हो तो मास्क इज मैंडेटरी। अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो दे कैन चार्ज यू फ्रॉम ₹300 to ₹900 फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, और या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप कैरी करके आओ, वरना आप फंस सकते हैं। सो गाइस परमिट हमारी आ चुकी है, और परमिट में आपको दिखा दूँ अच्छी तरह से। ये जो देख रहे हो ये गुरुदोंगमार की परमिट है, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे इस जगह पे हम चारों की नाम है विथ आवर व्हीकल्स नंबर, और यहाँ पे लिखा है गुरुदोंगमार। तो ये है, ये होता है मेन परमिट, और परमिट लेने के लिए आपको आना पड़ेगा परमिट ऑफिस पे जो कि है गैंगटॉक पे। अगर आप खुद से करवाना चाहते हो तो आप गैंगटॉक आ सकते हो। तो यार फीस वगैरह मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक अंकल से बनवाया, डिटेल्स दे दूंगा, आप काइंडली चेक कर लेना। तो चलो यार यहाँ से निकलते, होटल पे जाते और रेडी होते और आज की जर्नी शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। सो गाइज इस रूम पे हम लोग कल रात को रुके थे, यह है गैंगटॉक में, डिसेंट सा प्राइस में काफ़ी अच्छी होटल हम लोगों को मिल गई थी। तो यार सब पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, अभी बाहर जाएंगे, लगेज सारा सामान बाइक पे इंस्टॉल करना है। तो यह है मेरी क्लासिक 350, दैट इज ओबिक्स खंडवा 350, दैट इज डिजूस क्लासिक 350 एंड दैट इज रोनिस क्लासिक 350। सो ये तो भाई बाइक की बात है, तो और मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन है मेरे साथ इस राइड में। सो सारे दोस्त ही हैं मेरे, दैट इज ओबिक, दिस इज रोनी एंड दैट इज डिजू। तो यार चलो काफ़ी लेट हो चुकी है, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं बाइक पे। अगर आप आओ गैंगटॉक तो डेवलपमेंट एरिया में रुक सकते हो, बहुत सारी वहाँ पे होटल्स आपको बार्गेनिंग रेट में मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं फॉर लाचेन। तो लाचेन गैंगटॉक से है तकरीबन 120 किलोमीटर है, तो गूगल दिखा रहा था इट विल टेक अराउंड 3 hours and 30 minutes। हम लोगों को लगता है कि और भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बीच में रुकेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे। तो यहाँ पे गैरेज में अविक का कुछ काम है आई थिंक, बाइक में थोड़ी सी। तो फिलहाल अगर मौसम की बात करूँ तो गैंगटॉक में ठंडा नहीं है एकदम भी, मैंने सिर्फ एक लाइनर पहना है अंदर, क्योंकि लाचेन में थोड़ी बहुत ठंड होगी, तो इसलिए मैंने एक बार ही में लाइनर वाइनर सब कुछ जो भी था वो एकदम पहन लिया। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अभी तक की नहीं है, ये सिटी छोड़ के कहीं पे तो रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बहुत रेस्ट्रिक्शन है एक्चुअली। यहाँ पार्क नहीं कर सकते, वहाँ पार्क नहीं कर सकते, वहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते, ये वन वे है। तो ये सब यहाँ पे झोल है, तो इसी झोल के कारण सब उसकी यहाँ पे कहीं पे बाइक पार्किंग कर दिया और ले गया फाइन, तो यहाँ पे ये सब चलता है, तो इसलिए ये यहाँ पे रुकने का हेडेक हम लोग लेंगे नहीं।
और इधर पे एक छोटी सी बढ़िया सी, छोटी सी लेकिन बहुत बढ़िया सी एक वाटरफॉल है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये पानी पूरी वहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है और इधर भी है एक छोटा सा। तो हम लोग अभी उस होटल में रुके, यहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे, ऑर्डर हमने कर दिया है। एक बार फिर से मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ यहाँ से। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल फ्रॉम वे टू मंगन फ्रॉम गैंगटॉक। यमी नीचे फोटो वोटो खाने के बाद। तो ये आ चुका है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, मोमो एंड टी। मैंने मोमो के साथ एक चाउमीन भी ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हम लोग इसके बाद लंच पे रुकने नहीं वाले, क्योंकि टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आएगी, वहाँ पे फोटोज़ वगैरह खींचेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कुछ हैवी ब्रेकफास्ट कर ले ताकि लंच करने का ज़रूरत ना हो। तो अभी का तो व्यू आपके सामने ही है, पूरी क्लाउडी वेदर है। तो वो जो अंकल जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट की थी, तो वो अंकल बता रहा था कि ऊपर स्नोफॉल हो रही है लाचेन में, मतलब कल इतनी ठंड हम लोगों ने फेस की वहाँ पे। अगर आपने पिछला वाला ब्लॉग मेरा नहीं देखा तो जाके देख लो। आज भी लाचेन में उतनी ठंड हो तो यार दिक्कत हो जाएगी, रूम हीटर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। कल हम लोग गए थे ऑलमोस्ट 15,500 फीट पे, बाबा मंदिर है पुरानी वाली ओल्ड बाबा मंदिर, वो है 15,500 फीट पे। और कल हम लोग करेंगे गुरुदोंग मार, वो है 18,000 फीट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। तो वो अंकल बोल रहा था कि बारिश होने की चांसेस है यहाँ पे, कल बारिश हुआ था, कल गैंगटॉक में भी बारिश हुआ था, लेकिन हम लोगों को बारिश कल नहीं मिला क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे। तो यह सब मंगन है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स। और एक चीज़ और एक इन्फो मैं आपको देना चाहूँगा, न्यू रूल्स चालू हुआ है फॉर सिक्किम टूरिज्म। अगर आप अपना बाइक लेके आते हो सिक्किम में तो आपको परमिट के साथ, परमिट तो लेना ही है अगर आप गुड़गांव वहाँ जाना चाहते हो या सिल्कुट जाना चाहते हो, परमिट तो आपको लेना ही लेना है। ऊपर से आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है पर डे के हिसाब से पर बाइक के लिए। हम लोगों की 4 डे स्टे है सिक्किम में, तो इसलिए हम लोगों ने 800 रुपीज़ पर बाइक के हिसाब से हम लोगों ने पे किया एंड परमिट का अलग से। तो दिख रहा होगा वहाँ पे एक नदी बह रही है हम लोगों के साथ, एकदम सी ग्रीन कलर की, क्रिस्टल क्लियर एकदम। और रास्ते कुछ ऐसे हैं, नज़ारे तो देखो यार, नज़ारे ये। Amazing that is, wow, just beautiful. ये कौन सी नदी है? I don't know. Look at this view. This is beautiful. एकदम green color की पानी है and ऊपर ये bridge है, ऊपर mountains cloud में ढकी हुई है and this is beautiful, just looking gorgeous. This is the reason why we travel. This is the reason why we are so much passionate about riding. Wow. Bye bye. इधर हल्की हल्की बारिश चालू है एंड इट इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ से एक छोटा सा वाटरफॉल, और अंदर फॉग जमा हो रही है मेरे हेलमेट के वाइजर में। और ये और एक छोटा सा वाटरफॉल फिर से। मैंने सुना था कि जब आप गैंगटॉक से मंगन की तरफ जा रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी व्यूज मिलने वाली है, इनफैक्ट लाचेन तक बहुत अच्छी अच्छी व्यूज मिलने वाली है। और इधर फिर से एक वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल। और इधर भी एक है एकदम पास में, बहुत सारे वाटरफॉल्स है यहाँ पे। चलो चलो
तो यार बारिश बढ़ चुकी है, मुझे ये कैमरा उतार के अंदर रखना ही होगा। तो एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक्चुअली एक अंकल ने हमें शेल्टर दिया, यहाँ पे रुकने का जगह दिया। बाहर हम लोगों की बाइक्स ऐसे, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क है। सारी सामान हम लोगों ने उतार के बाहर पे रख दिया है और यहाँ पे बड़ी जोरों शोरों से बारिश चालू हो चुकी है। तो आपको इधर का मैं थोड़ी सी नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये पूरी नज़ारे है यहाँ से। तो चलो यार, यहाँ पे बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और जब भी बारिश रुके निकलते यहाँ से। अभी सीन ये है कि रेनकोट वेनकोट पहन के हम सब अभी रेडी है बारिश को फेस करने के लिए। मेरा जो एक्शन कैम का जो माउंट है केस, वो मैं बैक मेरे बैक पे ही है और बहुत नीचे है। तो अभी मैं वीडियो नहीं करूँगा, जब भी बारिश थोड़ी सी रुकती है तो वीडियो करना मैं चालू करूँगा।